20 साल हो गया, गोबर धोता धोता हम जिंदा ही नरक भोग रहे हैं, ऐसे लग रहा है। नुकसान ये है जी, बहुत परेशान करे, घर के आगे गोबर गंदगी मचा रहे हैं। क्या देखे हो 15 साल में? गंदगी देखी है और कुछ नहीं देखी। बारिश में तो बुरो हाल, गाय छोड़ दे, दूध काट काट गए, रस्तो ही कौन छोड़े, बिल्कुल भी गोबर कर बो करे। अब LDC, CET, REITS, मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। फ्लीकी स्कॉलरशिप टेस्ट दें और फ्लीकी एजुकेशन में फ्री पढ़ें। रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें। सगला दर्शकों ने राम राम, मैं थारोबेली आशु, थे देख ला रहे हो जलको हनुमानगढ़। आज अपन मौजूद हाँ बरकत कॉलोनी के अंदर। लारा देख ला रहे मोहल्ला का लोग है कट्ठा अड़ा, और ए मोहल्ला का लोग अड़ा क्यों कट्ठा है भी चीज थाने बता दिया क्या। ई मोहल्ला के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी रहा है हर समय, और जिस वजह मच्छर भी बहुत ज्यादा पनप है, बीमारियां तरह तरह की बीमारियां हो लग रही है और रो लग रही है। लोग अड़ू है जो पलायन करने के बारे में सोच लग रहा है, अठाऊ आप घर छोड़ छोड़ के जाने के बारे में विचार कर लग रहा है। ये मोहल्ला कॉलोनी का लोग कट्ठा अड़ा सारा, अपन सा बातचीत करांगा, हूँ जानांगा के बात के समस्या। दिक्कत जी गायें की हो रही है, गायें की वजह से परेशानी बहुत है, गाय घर के आगे गोबर और मच्छर बीमारी फैलने के बहुत फैल रहे हैं, और इनको कहते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी गाय नहीं है, हमारी नहीं है। जब पकड़ के गौशाला की तरफ ले जाते हैं तो कहते हैं हमारी गाय है। मतलब ये आप बैठी रहे तो हमारी को नहीं, और गौशाला जाओ तो हमारी है। हाँ, उस टाइम कहते हैं कि हमारी है। थाना नुकसान किया गया? नुकसान ये है जी, बहुत परेशान करे, घर के आगे गोबर गंदगी मचा रहे हैं, और फिर इनको बोलते हैं तो ये कहते हैं हमारी नहीं है, रोल गए हैं। अपने साथ महिला मौजूद है वार्ड की 8 बात करें। थारो के नाम माता जी? जसप्रीत कौर। कितना टाइम रहे होते हैं? हमें 15 साल हो गए। 15 साल हाँ जी। क्या देखे हो 15 साल में? गंदगी देखी है और कुछ नहीं देखा। तो यही है, इनकी गाय है, इनको कहते हैं। पहले तो ऐसे था, चलो ये रूढ़ी नहीं लगाते थे, गर्मी है उन्होंने गोबर इकट्ठा करके बहुत सारा, काफी टाइम से इकट्ठा है। इनको कहते हैं उठा लो उठा लो, उठाते नहीं है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है, घर में कोई मेहमान नहीं आ पाता। हम सबको कहते हैं हमारे मत आओ, अभी मना ही कर देते हैं, हमारे ही रहना मुश्किल हो रहा है, किसी को क्या बुलाएं घर पे। और मच्छर इतना और बुरे हाल, पूछो मत, देखो आप जरा वहाँ पे जाके। मोहल्ला में कोई ब्याह शादी हो भी टाइम के? ब्याह शादी यहाँ करते नहीं कोई, अपने बाहर ही करते, पैलेस में करते, कोई धर्मशालाओं में करते हैं, लोकल तो कोई करता ही नहीं ब्याह शादी। समस्या विकट है, बहुत विकट है भैया। ऐसे बस ऐसे सोच रहे हैं भी कोई शराब लगे, अभी जिंदा ही नरक भोगो, हम जिंदा ही नरक भोग रहे ऐसे लग रहा है। तो अंगसा का बातचीत कौन करी थी? पशु करी, बहुत बारी करी, बहुत। मैंने कहा हम ट्राली वाले को बुलवा देते हैं, आप उठवा दो। नहीं उठा देंगे, बस थोड़ी देर में उठवा देंगे, ऐसे कहते हैं, कोई पैर भी नहीं करते हैं। तो कोई बीमारी शुमारी भी हुई कि कोई बीमारी? मुझे खुद बुखार में उठ के आई हूँ मैं अभी। हाँ, तो मच्छर बहुत ज्यादा मच्छर है। हम तो 50 साल से रह रहे होंगे। क्या देखे हो 50 साल? बस 50 साल में तो यही देखा हूँ, इन्हीं गोबर गंदगी मेरे घर की है, कंधेल के साथ में ही है, कहते हैं उठा लो उठा लो, उठाते नहीं है, और कहते हैं तो गुस्से गास्से में कहते हैं तो लड़ने को दौड़ते हैं। ये क्यों नहीं, क्यों लड़ते हैं भाई? हमारी बहू भी बिच्छू ने खा लिया, और निकलते हैं भाई, जानवर निकलते हैं हमारे घर में। कौन सा बात करी, बात कौन करी? मैं तो सुबह भी गई थी, और कहते हैं चकवा देंगे। 8-9 गलियां में भी फैल दे रहा है, गलियां में हमारी दिल्ली के सामने, हमारे गेट के सामने गोबर करते हैं। क्यों कर लग रही है? जान पूछ के कर रखा। देखो कितने टाइम उरे रहे? 20 साल हो गया भैया, उरे रहता ना 20 साल हो गया। गोबर धोता, रिश्तेदार आवे तो मैंने बार की बार यहाँ सोचा कि हमारे चप्पल गोबर में भर भर के जावे, सारे दिन में सफाई करा, और ने कह देवा तो एक हमारी गायें कौन नहीं, अभी उठावा। अब किचड़ के अंदर बुरो हाल हो रही है, अब तो परेशान हो रहा है, इतना मच्छर मक्खी, और रह कौन से कम 12 मिनट भी गेट खोल गया मैं, और इतो प्यारू कह दियो कौन मानना। आज सुबह मैं 3 बार बोली, मैं क्यों सफाई कर दो, इतो किचड़ हो रही है, कौन करियो हार गया, फिर मैंने ऊपर उठानो पड़े हुए कदम। तो बारिश में क्या हाल? बारिश में तो बुरो हाल, गायें छोड़ दे, दूध काट काट गए, रस्तो ही कौन छोड़े, बिल्कुल भी गोबर कर बो करे सारे किचड़ में, नोरो देखो आगो नोरा मुती थी गारा में भर गया, गाय बाहर ना गागा जब वे सारी गंदगी सारी अंदर जावे, फिर मतलब घर आगे भी गोबर घर के आगे ही घर के आगे चक्का कौन नहीं, क्या मारी गाय कौन नहीं, रोल गए हैं, आवाज लगाते रह जाओ, अभी धोते मैं कितनी बार धोवांगा, मैं कितना दिन बारी तोड़ता रहूंगा, सारे दिन ले लेके धोता रहा, उठता ही गागो गोबर पहला गंदगी पावे, फिर कोई आवे रिश्तेदार तो पैर भी जावे, सारा दिन अंदर की सफाई भी कौन रहे मरा। अन्ने प्यारू कह दियो भी थे नोरा में रखो, थारा पशु है, दूध बेचो, नोरो रखो, माटी की ट्राली गिरा के रखो, गाय सबने रखनी, आवाज मेरे जगह कौन, मैं कौन रख सकू नहीं, तो ई वस्त्र गंदगी में रिश्तेदार आवे कहते ई मुलम बैठे क्यों, तो अब मैं कड़े बेच के जावा ई मकान ने, बताओ मतलब ये घंटी जी बतायो कि मैं डरता रिश्तेदार नहीं, कौन बुलावा रिश्तेदार ना आवे, बड़ी गाड़ियां रुकागा, बठ भी बनने कहते ना आईयो, मुल्लो ही सोई है, केक रे रिश्तेदार आ गया मारा, देखे तो पहला बड़ा कोनी गंदगी में पैर रखा है, थार तो गंदगी है, किया हुआ कितना टाइम हो गया था नाठे? मेरा तो काफी टाइम हो गया, मेरे साथ 6-7 साल हो गया। ससुराल है क्या थारा? हाँ कितना है भैया, गोबर घर से गेट का सफाई करो। ससुराल है तो मतलब यहाँ मक्खी मोर परेशानी तो हो भैया, पर इलाज के मन्ना को नहीं है, मैं सुन रिश्तेदार भी को नहीं आवा थारे?
कोनिया रिश्तेदार कहते हैं ऐसा मोला मरो खड़े और ले ले मकान मकान ऐसा मोला कौन खरीदा हुआ मैं तो आ गया जी का गया मकान छोटी तो जगह कौन छोटी जगह बिक भी कोनी आड़ा है लोग गंदगी देख के पास चल जाए कितने टाइम रह रहे हो मैं तो 12 साल हो गया हमारे शादी का हमारा घर तो पास में ही है इतना मच्छर काटते हैं बाहर बैठ नहीं सकते हैं शाम होते ही हमारे तो अंदर घर के अंदर बढ़ जाता है टावर छोटे छोटे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं 15 दिन से दवाई करा रही हूँ इसके गंदगी इतना नवरे पास में ही है दवा एक ही साथ में है तो कहती हूँ तो कहता है हटा दूंगी कब से कह रही है हटा ही नहीं रही है इतना इतने की है क्या बहुत गंदगी फैला रखी है उसके पता नहीं उसके बदबू से हम लोग रोटी भी नहीं खाया जाता है हमारे तो रोटी भी कौन खाएगी और इतनी बदबू देती है बीमार शिमार भी होते हैं क्या बच्चे हाँ अभी भी बीमार है हम पहले तो आदमी हो गए थे फिर हमारा छोटे वाले बच्चे है वो अभी तक बीमार है बुखार ही नहीं उतरता उनके 15 दिन हो गए इसी गंदगी की वजह से बीमार पड़ा हुआ है। राजकुमार जी पहले यहाँ बताओ कितने टाइम रह रहे हो? लगभग 25 साल हो गए जी। के देखे वहाँ 25 साल में? 25 सालों से देख रहे हैं कि यहाँ सबसे जितने भी वार्ड है ना सबसे ज्यादा गंदगी इसी वार्ड में है और वो गंदगी होने का कारण है कि जो ये अपने इन्होंने गायें पाल रखी हैं दोनों साइडों में गली के इस साइड में भी उस साइड में भी बड़े बड़े नोरे बना रखे हैं किले की जगह में भी और दूसरी जगह में भी जिसकी वजह से इतनी गंदगी है कि आस पड़ोस में लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ तक कि खाना भी बहुत दुबर है। मलेरिया जिसको कहते हैं मच्छरों की वजह से इतनी ज़्यादा प्रभावित है कि पूरे हनुमानगढ़ में इतनी बीमारी नहीं है जितनी इस मोहल्ले में से आदमी मलेरिया वाले निकल जाएंगे। यह सुने मतलब लोग प्लान करने के बारे में सोचा लग रहा है? हाँ कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं यहाँ से इसी वजह से मैंने भी अपना एक प्लान इधर कराया मकान लिया है इस गंदगी की वजह से और आज मेरे मकान की कीमत जीरो हो रही है। हाँ जी। तो के वजह के ये लोग थे यहाँ से बात कौन करी भैया? बात करी है इनको कहते हैं समझाते हैं प्यार से लड़ हम किसी से सकते नहीं लड़ाई तो कोई समाधान नहीं और वैसे ही मानते नहीं। नगर पालिका में हमने 2-4 बार कहा लेकिन उसका किसी प्रकार से कोई हल नहीं हुआ इसलिए हम भी फिर चुपचाप बैठ गए करें तो करें क्या करें? वो तो चुपचाप बैठना वो भी कोई एक समाधान को नहीं ना संघर्ष समाधान तो नहीं है लेकिन अब करें क्या अब फिर पूरे मोहल्ले वाला इससे परेशान होकर के उन्होंने फिर ये आवाज़ उठाई है कि ये इस गंदगी से किसी ना किसी प्रकार से निजात मिले हमें। अगर नहीं हुआ समस्या समाधान तो क्या होगा? नहीं हुआ तो करेंगे कोई धरना प्रदर्शन करेंगे नगर पालिका के सामने जिससे कि ये गंदगी दूर हो जाए। हमारी कोई मांग तो है नहीं बस सिर्फ इतनी है कि भी थोड़ी सफाई व्यवस्था हो जाए ये सभी के लिए है। मतलब घर आगे गया मतलब गोबर घरों के आगे के नाम गोबर करती है उठाते नहीं है इनको कहते हैं भी उठा लो क्या हमारी गाय नहीं है जब गाय पकड़ो ले जाते हैं गौशाला की तरफ फिर भागते हैं क्या हमारी गायें हैं ये ऐसे कर लग रहे हैं बस ऐसे ही करना रहे इनके वो है इनका वो धंधा यही है इनका आंगन खोल लोगे इनके दूध हम इनसे दूध नहीं लेते नाम हमारे टंकी वाला अलग ही आता है इनसे दूध नहीं लेते नाम इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं और दूध में इतनी बदबू है और जो आदमी पीता है कि ना बीमार हो जाता है ना बोले लोग कोई दूध नहीं पीते इनका गाय का। तो इस चीज़ को समाधान किया समाधान है नगर परिषद है कोई कार्रवाई करे हम तो ये चाहते हैं नगर पालिका कार्रवाई करे इनके ऊपर। अपने साथ वार्ड का पार्षद मौजूद है प्रदीप मित्तल अपांग साथ बात कराना आप बुलाए बैठे आऊँ जाना समस्या मैंने कई बार अवगत करा चुके हैं हमें और नगर पालिका में लिख भी चुके हैं। सतपाल जी हमारे भाई साहब है जिन्हें की दीवार सागे लागे है बिना को इन्हों की दीवार को नहीं बनाई फलक शेर और दोनों भाइयों की दीवार को नहीं बनाई जो सारी गंदगी है गोबर वगैरह इन्हों की दीवार में रिस रिस गाव है बीमार भी हो चुके हैं इन्होंने भाईचारा होने के नाते कह चुके हैं हमें लेकिन इन्हों का कोई जू कौन रखा है वो मोलो है देख ला रहे थाने अभी मौका की है जो परिस्थिति पे मौका की दिखाऊंगा थाने बहुत ही ज़्यादा माहौल वाकई में बड़ो ही खतरनाक है वार्ड का लोगों की समस्या एकदम सही है एकदम लोगों को कहना एकदम सही है क्योंकि अठे गंदगी इतनी ज़्यादा है मतलब खड़े ही को नहीं हो जाए लाग रहे हो और अठे ही अगले पास एक बाड़ो है गंदगी की वजह से ही मच्छर है जो सारों ज़्यादा मच्छर हुआ लाग रहे हैं और देख लाग रहे होते अंदर पास कंडीशन के हिसाब हुआ मतलब गोबर हूँ और हूँ ये वजह गंदगी बहुत ज़्यादा हो लाग रही है। आस पड़ोस का लोग है अठू पलायन करने के बारे में सोचा लाग रहा है लोग बाग आपको घर है वो छोड़ छोड़ के जावा लाग रहा है अब मैं अंदर जाके थाना दिखा कौन सकूँ क्यों गंदगी अंदर बहुत ज़्यादा है गंदगी। वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो पास में दे रहे बेल आइकन का बटन ने दबा दो और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारे भी गाँव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा जलको हनुमानगढ़ चैनल का नंबर चला लाग रहा है माना ही नंबर पर फोन करो मैसेज करो मैं बड़े जरूर पूछाऊंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज़ उठाऊंगा। अंत में माने दो इजाजत मिला थरसा के नई वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।